वेलकम टू माई चैनल सीक्वेंस स्टडी आज हम कर रहे हैं द फॉन द हेड क्लास नाइन्थ मॉड्यूल सेवन सो लेट स्टार्ट दे टर्न देजेस विच आर येल्लो एंड क्रिंकली तो देखो वो उन्होंने पेज पलटे जो बड़े अब देखो पुरानी बुक थी पुरानी बुक है तो ऑटोमेटिक जो है पेजेस पीले पड़ जाते हैं और क्रिंकली का मतलब रिंकल्ड हो जाते हैं तो उनके ऊपर लाइन्स पड़ जाती हैं एंड इट वॉज ऑफली फ़नी ऑफुली का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ही कोई चीज़ ज़्यादा ही उनको क्या लगी फ़नी लगी क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी कोई बुक भी होती है जो पहले बच्चे पढ़ते थे क्योंकि वो जमाने कौन से ज़माने में कंप्यूटर के जमाने में सर उनको कंप्यूटर्स का पता है मोबाइल्स का पता है बुक का नहीं पता है क्योंकि अब बुक्स तब बुक्स होती ही नहीं होंगी मतलब आगे का बता रहे हैं फ्यूचर का ऑलफुली फनी टू रीड वर्ड्स एट्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे वर सपोज टू अब स्क्रीन के ऊपर तो हमेशा वर्ड्स चलते रहते हैं तो उनको कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वर्ड्स जो है इस जगह पर स्टिल भी रह सकते हैं ऑन आ स्क्रीन यू नो एंड देन वैन द टर्न बैक टू द पेज बिफोर और जब वो पेज पलटते थे तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट अब उसके ऊपर वही वर्ड्स वहीं लिखे हुए हैं जहाँ पर वो थे एंड देट इट हैड वैन दे रेडिट द फर्स्ट टाइम तो उनको ये बड़ा ऑर्ड सा लगा क्योंकि स्क्रीन पर अब उनको अलग पड़ गई थी यू यूँ चलाने की जैसे कि अब अब उनको ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं हो रहा था कि वर्ड्स एक जगह टिक भी सकते हैं गी सेट टॉमी तो टॉमी बड़े से कहते हैं गी अ वेस्ट अरे तो क्या वेस्टेज है वेन यू आर थ्रू विद द बुक थ्रू विद द बुक मतलब जब आप उस बुक को पढ़ चुके हैं यू जस्ट थ्रो इट अवे तुम उसको फेंक दोगे आई गेस मतलब जब पढ़ ली तो फेंक दो आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट है मिलियन बुक्स ऑन इट और जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है मतलब कि जो कंप्यूटर है उसमें तो बहुत सारी बुक्स हैं मिलियन बुक्स हैं एन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेटिंग वोर और ये अच्छा रहेगी और उसमें और बुक्स भी आएंगी आई वुड नॉट थ्रो इट अवे तो मैं उनको फैक थोड़ी ना दूंगा सेम विद माइंड सेट मार्गी तो मारगी यही थी मेरे साथ भी यही बात है मेरी बुक मेरे स्क्रीन में बहुत सारी बुक्स हैं मैं उनको फेंकूँगी थोड़ी द पेजेस व येल्लो एंड क्रिंकली बिकॉज तो ये पेजेस येल्लो क्यों हैं क्रिंकली क्यों हैं अरे बुक पुरानी है जब बुक पुरानी है तो पेजेस ऐसे ही होंगे बुक वॉज सेंचुरीज ओल्ड बुक पुरानी है एंड हैड्स फॉर द रेविजेज ऑफ टाइम और वक्त के साथ साथ उसमें वक्त की जो है जैसे ना वक्त की मार झेल लिए बहुत टाइम हो गया ना उस बुक को तो ऐसी हो जाएगी ले डिफरेंसेस आप देखो दो डिफरेंसेज बताने हैं बिटवीन टॉमी एंड मार्गीज टेली बुक्स एंड द बुक दे फाउंड अब इनके पास तो क्या हैं टेली बुक्स हैं टेली बुक्स, है, बुक्स मतलब जो टेलीविजन स्क्रीन पर है उनके कंप्यूटर में है अब ये जो बुक है और लिखी हुई है आजकल की जैसे कि बुक है तो इनमें क्या डिफरेंस है तो देखो पहले नंबर पे कंप्यूटर वाली बुक के जो पेजेस होंगे वो ख़राब थोड़ी होंगे वो तो नहीं येलो पड़ेंगे ना द पेजेस ऑफ द बुक दे फाउंड वर येलो एंड क्रिंकली अब जब बुक उन मिली उनको तो उसके पेज कैसे थे येलो एंड क्रिंकली वाइल दे आर टेली बुक्स वर नॉट लाइक दैट अब उनके जो टेली बुक्स हैं वो तो ऐसी नहीं है ना दूसरे नंबर पे द वर्ड्स इन द बुक डिड नॉट मूव शब्द जो हैं उनके स्क्रीन के ऊपर चलते रहते थे तो इस उनको वही हैबिट पड़ चुकी थी ऐसी देखने की बुक्स को मगर जो बुक के अंदर इस बुक में वर्ड्स है वो तो नहीं चल रहे थे ना वर्ड्स इन द बुक डिड नॉट मूव एज इन द केस ऑफ देयर टेली बुक्स आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप में से किसी मॉड्यूल में पूछ सकते हैं जिसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट तो देखो ऑफुली का मतलब होता है एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा तो इसका मतलब कि हमें क्या देना है रिंकल का सिनोनियम देना है तो क्या है क्रिंकली आगे देखो नेक्स्ट है एज द एक्सट्रैक्ट अब घी इज इन एक्सप्रेशन अब कहते हैं ना मैं तो क्या करूंगा मतलब ये बुक पढ़ ली अरे तो बेकार हो गई फिक जाती होगी वेस्ट है तो वो डिस्गस्ट में कहेगा ना सिंपैथी तो किसी चीज़ की नहीं है ना वो अप्रिशिएट कर रहा है मतलब कोई प्रशंसा थोड़ी कर रहा है एनकरेज कर रहा है सिर्फ क्या कर रहा है डिस्गस्ट में कहता है वट डज मार्गी मीन वेन शी सेम विद मी बी सेम विद मी का मतलब अरे मेरे साथ भी यही है तो मेरे पास मेरी टेली बुक्स बहुत सारी हैं मेरे अंदर भी मतलब मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स है ना तो सेम विद माइंड मीन्स दैट हर टेलीविजन स्क्रीन ऑल्सो हैड मैनी टेली बुक्स ब्लैक्स इज वन वर्ड ओनली तो टॉमी एंड मार्गीज़ आप देखो एक तरफ से तो वो मतलब उस वर्ल्ड में रहे हैं जो साइंस का वर्ल्ड है अब वो इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट नहीं कर पाते पहले कि पहले तो वो देखते हैं कि बुक बहुत मतलब कैसे पेजेस हैं और उनके वर्ड्स वो तो उनको वो अजीब सा लगता है मगर वो जो है वो कहते हैं ये तो बुक्स जो हैं तो फिक जाती होंगी टेली बुक्स जो है नहीं फिकती हैं तो टॉमी एंड मार्गीज एटीट्यूड उनका दिखाई देता है कि कम्स आउट क्लियरली उनका थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाई देता है कि एज दे आर इंस्पेक्टिंग द एंशेंट बुक जैसे वो देख रहे हैं पुरानी बुक को तो उनका अपना एटीट्यूड पता चलता है मैं उनकी क्यूरियोसिटी भी पता चलती है सो एक द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ द वर्ड स्क्रीन तो स्क्रीन का मतलब तो वही है जैसे टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन है यहाँ पर द टाइम ऑन द स्क्रीन हैज़ इंक्रीज मच ड्यूरिंग द पेंडेमिक मतलब कि पैंड के टाइम पर लोग ज्यादा स्क्रीन देखने लगे हैं मतलब ज़्यादा टी मोबाइल देखने लगे हैं आगे है मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर अब देखो मार्गी को तो स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि उसने सब मैकेनिकल टीचर्स देखे थे असली के टीचर्स का नहीं पता था कोई इमोशंस नहीं होता उनमें शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर अब वो चाहते जा, जा, मेरी जान छुटे अगर ये ख़राब हो गई है तो, तो क्या होता है तो सोचते कि शायद एक महीने के लिए जैसे टॉम तौम की टॉमी की ले गए थे ऐसे मेरी टीचर को भी ले जाएंगे दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली क्योंकि देखो वो किससे पढ़ा रहेंगे सब जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें फीड हैं वो उन्हीं से वो पढ़ रहे हैं तो उनको मतलब अगर कुछ कोई प्रॉब्लम आ गई सॉफ्टवेयर ब्लैकडउट मतलब उसके अंदर वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो वो उसको मतलब कि रिपेयर करने के लिए उसका सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए मतलब ले गए तो सोशी सेट टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल तो उसको तो स्कूल पसंद है ही नहीं मार्गवेट इसलिए नहीं उसको पसंद है मार्गी को तो कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा क्योंकि स्कूल तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसके बारे में लिखा जाए जो बहुत अच्छी होती है हम उसके बारे में लिखते हैं स्कूल तो बेकार सी चीज़ है जिसके बारे में कौन क्या लिखता है तो इससे मतलब बड़ी हैरान हो जाती है आगे है टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़ और वो टॉमी समझता है कि मैं तो ज़्यादा क्योंकि वो बड़ा है और वो छोटी है तो वो सोचता है मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ और मेरे को ज़्यादा नॉलेज है तो वो उसको ऐसे देखता है टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज और वो अपने आप को बड़ा समझते हुए सुपीरियर आइज से देखता है कि भाई मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टोपेड अरे हमारे जैसा स्कूल नहीं है स्टोपेड दिस इज अल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट डी हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो ये तो वो ना स्कूल है जो बहुत साल पहले होता था आप देखो क्या कहना चाह रहे हैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो मतलब पता नहीं कितने सालों से सालों से पुराना है ना ये एड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो और बड़े ध्यान से वो बोलता है लॉफ्टीली बोलता है कि बहुत पहले जो है मतलब ऐसे करके सेंचुरीज अगो का ही तो मतलब कितने सालों पुरानी ही बुक है द चीप रीजन बिहाइंड मार्गीज डिसअपॉइंटमेंट वॉज दैट अब वो जो जो लॉफ्टली है देखो इसका क्या मीनिंग होता है कोई अपने आप को सुपीरियर समझ कर कोई अपनी बात को ऐसे रखता है कि मैं सुपीरियर हूँ मुझे जब पता है तो उसको कहते हैं लॉफ्टी द चीप रीज़न बिहाइंड मार्गीज डिसअ अपॉइंटमेंट वॉज दैट अब देखो उसकी क्या है जैसे अपॉइंटमेंट थी वो क्यों निराश थी उसको तो लगा था कि अगर मेरी टीचर तो जो है खराब हो चुकी है मैकेनिकल टीचर तो इसको भी वो एक महीने के लिए ले जाएंगे जैसे टॉमी की लेंगे और क्या कहते हैं फिर उसको भी छुटकारा मिल जाएगा एक महीने के लिए मगर ऐसा नहीं होता है तो इसलिए वो जो है क्या हो जाती है निराश हो जाती है तो क्या आ गई यहाँ पे हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन सक्सेसफुली री प्रोग्राम वो तो ठीक हो गई थी अब वो वापस शुरू कर दिया तो फिर उसको डिसअपॉइंटमेंट हो गया अब नेक्स्ट देखो मार्गी आंक्स टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल अब वो कहते हैं स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा वट इज इज क्वेश्चन शो अबाउट मार्गीज एटीट्यूड टू स्कूल यही है कि शी डिट नॉट लव टू लव द स्कूल इन विच यू वॉज स्टारिंग द टाइप ऑफ स्कूल आप लिख सकते हो विल बिकॉज शी डि नॉट लाइक द टाइप ऑफ स्कूल इन विच विच ही वॉज स्टार्डिंग क्योंकि अब उस टाइप के स्कूल नहीं थे ना जैसे कि अब होते हैं अब तब नहीं थे मार्गी हेटेड स्कूल थे उसको क्या था हेट थी स्कूल से सो शी सेट वाई वन विल राइट अबाउट स्कूल कि कोई अगर हमें चीज़ नहीं पसंद है तो क्यों कोई लिखेगा स्कूल के बारे में कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं शी डि नॉट लाइक द मैकेिकल टीचर उसको मैकेनिकल टीचर नहीं पसंद थी एंड द टाइप ऑफ स्कूल शी वॉज स्टार्टिंग और उसको वो स्कूल मतलब उस टाइम पर ना स्कूल पसंद था जिसमें वो पढ़ रही थी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इंसान भी जो है पढ़ाते होंगे और उस टाइम का कोई स्कूल भी होता होगा स्टेट विदर द फॉरन स्टेटमेंट इज टूअर फॉल्स टॉमी फ्यूज दैन ही इज़ बेटर इन्फॉर्मड एंड मार्गी हाँ ये तो बिल्कुल ट्रू है तभी तो लिखा ना शब्द वहाँ पर लॉफ्टीली कि वो अपने आप को सुपीरियर समझता उसको कहता है तुम स्टुपो है ना Pro. The द फैक्ट दैट teacher टीचर हैड बीन टेकन अवे फॉर a month मेड मार्ग feel फील दैट शी टू वुड free. फ्री so, तो उसको लगा था कि अगर उसके एक महीने के लिए उसके लिए उनके उसके टीचर ती, को लगे हैं तो उसकी दैट शी वुड टू बी फ्री तो वो भी फ्री हो जाएगी उसकी भी टीचर जो खराब हो गई है मैकेनिकल टीचर वो उसको भी ले जाएंगे और एंड शी वुड आल्सो बी फ्री तो so, ऑप्शन आएगा हमारा ये दूसरे वाला तीसरे वाला नेक्स्ट में जो देखो आगे है दैट द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट एम्प्लाइज दैट अब जो हिस्ट्री सेक्टर जो है खराब हो चुका है तो ब्लैंक आउट हो चुका है तो उसका क्या मतलब है टीचर हैड गॉन आउट ऑफ ऑर्डर विद एट्स वर्ड्स डिसअपेयरिंग उसके जो वर्ड्स जो हैं डिसपेयर हो गए हैं वर्ड्स गायब हो गए हैं तो वो जो है उसके टीचर मतलब आउट ऑफ ऑर्डर है क्योंकि शब्द गायब हो गया सॉफ्टवेयर खराब हो गया है if someone speaks softly, this mm comes out of the of a superior and please, if you have not uh, subscribed to my channel and new to my channel, then please subscribe it and please like, do like, share and subscribe to my channel. and if you live in saharanpur, then you can contact me for the teaching also, offline teaching. margie felt hurt most probably because tommy did not think highly of her intelligence or knowledge. मार्की फ्रेंड हर्ट क्योंकि वो जो है कहता है ना उसको स्टोपेड तुम्हें नहीं पता कि ये स्कूल कैसा है तो उसके बाद है लिखा है तो उसको लगता है कि शायद वो टॉमी जो है मतलब जिस तरह से जिस वे से उसके साथ बोलता है तो उस वे से वो क्या हर्ट फील करती है तो टॉमी डिडॉट थिंक हाईली ऑफर इंटेलिजेंस या नॉलेज उसको लगता है तो बिल्कुल बेवकूफ़ है मार्गी डिट सो विद अ सा अब देखो मार्गे डेड सो विद साय का मतलब ये है कि जो मार्गी है वो बड़ा एक ऐसा सांस सा लेती है ना उफो मतलब जैसे कि अब ये करना ही पड़ेगा शी थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल अब वो बात का क्या करती है साय से क्या मतलब जो उसकी मैकेनिकल टीचर है वो उसको होमवर्क डालने के लिए, लिए कहती है कि आप होमवर्क डाल दो उसके अंदर तो वो जो है इस अपने आप को जैसे रूटीन वर्क होता है कि बस ये करना है जब दस्ती वाली बात है तो उसको जैसे ऐसा करके वो सांस लेती है उफो तो कर दिया भाई शिवर सिंगिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल अब वो पुराने क्योंकि उसको पसंद है ना वो सब टीचे चीज़ें तो शिव सिंगिंग अबाउट द तो ओल्ड स्कूल अब उस पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है जो मतलब उसने बुक्स में पढ़ा दी हैड वैन हर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर्स लिटल बॉय जब उसके ग्रैंड फादर के भी ग्रैंड फादर एक छोटे बच्चे होते थे और वो उस स्कूल में जाते थे तो वो उस स्कूल को समझ रही है तो जैसे कि आजकल के ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम अब उसको ऐसा मतलब अलग रहा है वो क्या कर रही है विजुलाइज कर रही है क्या विजुलाइज कर, कर रही है कि सारे बच्चे फ्रॉम द होल नेबरहुड केम पूरे आसपास के बच्चे इकट्ठे होते होंगे लाफिंग हंसते हुए शाउटिंग देखो जैसे बच्चों को पसंद होता है हंसना शोर मचाना इन द स्कूल यार्ड में इकट्ठे होते होंगे सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम इकट्ठे क्लास स्कूल रूम में बैठते होंगे गोइंग होम टुगेदर इकट्ठे जाते होंगे छुट्टी के टाइम पर एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग्स वो सभी चीज़ जैसी चीज़ें याद करते होंगे सो दे कुड हेल्प वन अनादर विद द होम वर्क एंड टॉक अबाउट इट और वो क्या कर सकते हैं एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं होमवर्क में क्योंकि सबको एक जैसा होमवर्क मिलता है एंड टॉक अबाउट इट और उसके बारे में होमवर्क के बारे में वो बात भी कर सकते हैं एंड द टीचर वॉर पीपल और वो नई बात कहती है उसके लिए सबसे ज़्यादा कि जो टीचर्स थे उनमें इमोशंस थे वो क्या थे लोग थे इंसान थे द मैकेनिकल टीचर वो फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन अब उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी वो क्या हो गई स्क्रीन पर दिखाई देने लगी वैन वी एड फ्रैक्शंस वन बाई टू एंड वन बाई फोर अब वो डा उसको सिखाना शुरू कर देती है एडिशन ऑफ सब फ्रैक्शंस मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्डन डेज मगर वो अभी भी सोच रही है कि पुराने जो बच्चे होंगे वो कितने मतलब क्या कितना लव करते होंगे द ओल्ड इन द ओल्ड डेज मतलब पुराने बच्चे मतलब कितने वो होंगे खुश होंगे स्कूल के से शी वॉज सिंकिंग अबाउट द फन द हैड ये मतलब वो ये फन दैड का मतलब वो क्या है लेसन द फन दैड का मतलब फ़न जो मतलब मज़ा कौन करते थे मज़ा वो बच्चे करते थे जो कई सेंचुरीज अगो पुराने टाइप के स्कूलों में पढ़ते थे तो उनके बारे में द फन द हैड कि वो कितना मज़ा करते होंगे है ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बन के आ सकता है कि मतलब किसके ऊपर कहा गया द फ द हैड कौन फन कर रहा है कौन फन मतलब करता है किसके बारे में है है ना तो वॉट इड मार्गी डू विद मार्गी ने क्यों साय किया मार्गी इंसर्टेड द इड होमवर्क उसने क्या करा सा के साथ अपना यस पुराना होमवर्क था ना उसका कल अगर पिछले पहले दिन का होमवर्क को वो कहती है ना इंसर्ट कर दो तो इंसर्ट कर देती है वो इन द प्रॉपर स्लॉट में कहा आता उसको प्रॉपर स्लॉट में कर देती है विद विद अ अ द एक्सप्रेशन विद्रेशन सजेस्ट देट मार्गी रिग्रेटेड वर्ट शी है उसको बिल्कुल पछतावा सा होता था कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द केर्स मस्ट हैव्ड इट इन दल्टेज हियर इट रेफर्स टू डूइंग होमवर्क नेक्स्ट है मार्गी डज लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग टू स्टडी ऑलोन ऑल माई हर्सेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिकल टीचर थ्रो है उसको अकेले पढ़ना तभी तो कहती है कि वे बच्चे इकट्ठे होते होंगे शोर मचाते होंगे तो ये बात सच उसको अकेले अच्छा नहीं लगता था दिस एक्सट्रैक्ट डील्स विद मार्गिस विजुअलाइजेशन विजुलाइजेशन वो विजुअलाइज ही तो कर रही है कि भाई सब उसको दिखाई थोड़ी देना विजुअलाइज करते तो हैं अपने मतलब एक इमेजिनेशन बना के सब कुछ देख रही है कि ऐसे बच्चे जाते होंगे ऐसे बच्चे आते होंगे तो विजुअलाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस एट अ स्कूल ऑफ ओल्डन डेज Two advantages of the school of the olden times according to the extract word, the teachers were people. teachers. Secondly, students learned the same thing so they could help one another with the homework. Okay. Thank you. Thank you for watching my video.